मध्य प्रदेश के बुरहानपुर स्थित चांदनी रेलवे स्टेशन भरभराकर ढह गया। बताया गया कि ये तब हुआ जब 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन वहां से होकर गुजरी। गनीमत ये रही कि जब बिल्डिंग गिरी उस समय कोई उसके नीचे नहीं था। दरअसल बताया जा रहा है कि ये घटना नेपानगर से असीगढ़ के बीच हुई। यहां से पुष्पक एक्सप्रेस 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गुजरी। बुधवार को ट्रेन ने शाम करीब 4 बजे जैसे ही जंगल में स्थित चांदनी रेलवे स्टेशन बिल्डिंग को क्रॉस किया तो वह उसका कंपन सह नहीं पाई। तस्वीरों में दिख रहा है कि कैसे हादसे में बिल्डिंग की खिड़कियों के कांच फूट गए और बोर्ड गिर गए। भवन के अगले हिस्से का मलबा स्टेशन परिसर पर बिखर गया। जब हादसा हुआ तब बिल्डिंग के आसपास काम कर रहे लोग भागने लगे। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए। इस हादसे के कारण शाम को कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ। स्टेशन मास्टर आशाराम नागवंशी ने फोन पर बताया कि खंडवा की ओर से पवन एक्सप्रेस गाड़ी 3:30 पर और उसी समय बुरहानपुर की ओर से गुवाहाटी एक्सप्रेस निकली थी। दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया। बिल्डिंग का हिस्सा करीब 3:55 पर गिरा है जबकि पुष्पक 4:30 पर गुजरी है। ADRM ने बताया कि लाइन पर बाधित ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। इस घटना के चलते बुधवार शाम करीब 3 घंटे तक ट्रेन सेवाएं ठप रही। बिल्डिंग गिरने के संबंध में जाँच के आदेश दिए गए हैं।